हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपको कोई भी ये बोले कि आप या तुम बहुत सुलझी हुई हो, तुम बहुत ही सुलझी इंसान हो। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जो भी इंसान आपको ये शब्द बोलेगा वो इंसान आपका बहुत ही क्लोज़ होगा, वो आपका कोई फैमिली मेंबर होगा या आपका कोई बहुत ज़्यादा नियर एंड डियर होगा जो आपको ये बोलेगा कि आप बहुत सुलझी हुई हो। जाने अनजाने पता नहीं आपको ये सब चीज़ें समझ आए या ना आए, क्या मतलब आपको सुन के उस समय तो अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे बारे में अच्छी बातें बोली, बहुत सुलझी हुई। आपको उस समय तो एक हल्केपन में, आप इतने हल्के होते हैं उस समय, आपको आपकी कोई तारीफ भी करता ना आपको तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उस समय इतने हल्के होते हो जब आपको कोई ये बोलता है कि तुम बहुत सुलझी हुई हो, इतने हल्के होते हो आप, आपको ये पता ही नहीं होता कि तारीफें भी क्या है। कुछ इस तरीके से आप उसमें भी उसको हंस के कह रहे थे, हाँ हाँ बस ऐसे ही है ना, इस तरीके से आप कर देते हो। लेकिन 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 पता है आपको, ऐसा इंसान है ना खुद जो आपको ये बोल रहा है कि आप बहुत सुलझी हुई हो, वो पता है आपको क्यों सुलझी हुई बोल रहा है? क्योंकि उसने ना आपको अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है। आपका नेचर खुली किताब है, आपने उस सामने वाले पर्सन को अपनी टोटल सारी की सारी पास्ट फ्यूचर सब कुछ प्रेजेंट, आपने सब कुछ उस इंसान के सामने खोल के रख दिया है। आपके पास एक शब्द भी नहीं है ऐसा हाइड पर्सनली के जो आपने उससे कुछ छुपाया है, इसलिए वो इंसान आपको खुली किताब बोल रहा है। लेकिन आप सावधान हो जाएं, क्योंकि ऐसे इंसान आपको बहुत दबाएंगे, बहुत रौंदेंगे आपको, बहुत कुचलेंगे आपको, बहुत दर्द देंगे आपको। क्योंकि कभी भी किसी के सामने इतना सीधा मत बन के रहे, अपने आप में थोड़ा सा अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखें अपने आप को। चाहे कोई कितना भी प्यारा क्यों ना हो, चाहे खून के रिश्ते हो, चाहे कोई नियर एंड डियर हो, कुछ इंसान की अपनी प्राइवेसी होनी चाहिए, जो वो खुद से ही बात करता हो, किसी और से नहीं। सिर्फ खुद की सोल से, अपनी आत्मा से बात कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, सेल्फ टॉक कीजिए। वो जो सेल्फ़ टॉक होती है वो बिल्कुल आपकी प्राइवेट होनी चाहिए। आप किसी के साथ ये चीज़ें शेयर ना करें, क्योंकि ये चीज़ें ना आपको आगे जाके बहुत दिक्कत दे सकती हैं। जब आप किसी के सामने खुली किताब हो जाते हो, तुम बहुत सुलझी हुई हो, ये शब्द सुनने में बहुत जितने अच्छे होते हैं ना, उतने ही ज़्यादा इन शब्दों को ना तोड़ मरोड़ कर आपका जीवन को नष्ट कर दिया जाता है, अगर आप जीवन में बहुत ज़्यादा सीधे बन के रहे तो। कभी भी अपनी सारी बातें, चाहे अपने फैमिलीज की हो, अपने किसी भी इंसान की हो, किसी के सामने ना बताएं। अगर आप एक लड़की हैं, आपकी शादी हो चुकी है या होने वाली है, तो कभी भी अपनी सारी की सारी मायके वाले की बातें ससुराल में ना बताएं। मायके वालों की बातें कभी भी अपने ससुराल में मत बताइए खुल खुल के, सबका नेचर मत बताएं खुल खुल के। पता, थोड़ा सा इंसान को ना चालाक बनना चाहिए। ज़्यादा सीधे लोगों का बहुत बुरे तरीके से फ़ायदा उठाते हैं लोग, बहुत बुरे तरीके से, ठीक है। देखिए, ये मैंने एक्सपीरियंस किए हैं ये चीज़ें, तभी मैं आपको बता रही हूँ ये, बट आज मैं ऐसी नहीं हूँ, पहले थी ऐसी। बस बैठे बैठे दिमाग में जो टॉपिक याद आ जाता ना, कोई बातें याद आ जाती हैं, तो सोचती हूँ कुछ ना कुछ शेयर करूँ, क्या पता मेरी ये छोटी छोटी बातें किस इंसान के काम आ जाए, है ना। ये छोटी छोटी बातें होती हैं पर जीवन में बहुत बड़े बड़े चेंज ला देती हैं। मैंने इस चीज़ को झेला है, आगे और किसी के जीवन में इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए। अब ये अपनी, भले ही आपका पति है, आपसे कितना मर्जी प्रेम करता, आपसे कितना मर्जी प्यार करता हो, आपके सामने चाहे अपनी जान निछावर करता हो, पर कभी भी उसके सामने अपने माता पिता की, अपने भाई बहनों की कोई भी बात शेयर मत करें।
एक नॉर्मल सा रखें, ज़्यादा डीपली एक इंसान के बारे में मत बताएं उस इंसान को। ठीक है, जितना हो सके उतना करें पर ज़्यादा मत बताएं। ये लगा लीजिए, अगर कोई इंसान सामने वाला ऐसा है वो आपकी ही बातें ज़्यादा सुनना पसंद करता है और ख़ुद नहीं बोलता, तो वो इंसान ना आपको बिल्कुल बिल्कुल एब्जॉर्ब कर रहा है। और हम इतने सीधे होते हैं, उस समय हमें पता ही नहीं होता, हम सोचते हैं हमारा पति तो बहुत सीधा सीधा है, मैं चपड़ 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 करती रहती हूँ, ये तो सुनते ही रहते हैं। अब हमें ये नहीं पता था वो सुन सुन के हमारी इतनी ऐसी की तैसी करने वाला है। चलो कोई बात नहीं, जैसा भगवान ने स्ट्रिक्ट पार्टनर दिए हैं भैया, अब झेलने तो हैं ही, दो दो बच्चे हो चुके हैं, अब इन्हें छोड़ के कहीं जा सो नहीं सकते, लाइफ तो नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, वैसे भी कर्मा ख़राब होगा, ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में प्राइवेट रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। अपनी बातें सबके साथ शेयर ना करें, बस सेल्फ टॉक करें, अपने आप से बात करें, और किसी पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते। थैंक फॉर वॉचिंग।